तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मार्क्स के हिसाब से डिवीजन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, डिम एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव और परसेंटेज के लिए पीईआर हमने वेरिएबल ले लिया, सभी को हम लोग इंटीजर टाइप कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स एंटर करेंगे, ठीक है, एम वन में एम टू में एम थ्री एम फोर एम फाइव में, ठीक है। कंसोल डॉट रीड लाइन हमने लगाया है मार्क्स को रीड करने के लिए, ठीक, समझ में आया इतना। तो यहाँ पे एम वन से लेके एम फाइव तक हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। अब उसके बाद हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, सारे मार्क्स को हम लोग ऐड करेंगे फिर उस पर डिवाइड बाई फाइव हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड बाई फाइव हम लोग करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है, आया समझ में। डिवाइड बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे तो दो जीरो कट जाता है ना, तो डायरेक्ट हम लोग डिवाइड बाय फाइव कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस लगाएंगे यहाँ पे देखो, सबसे पहला कंडीशन है यहाँ पे अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, ठीक है, परसेंटेज का जो वैल्यू होगा अगर 70 से बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट डिविजन, ठीक है। एल्स इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो किसमें आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड डिविजन, ठीक है। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है, अगर 50 से बड़ा होगा और 60 से कम होगा तो क्या आएगा, थर्ड डिविजन, ठीक है। फिर उसके बाद एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है, ओनली पास विथ ग्रेस आएगा, ठीक है, मतलब रेंज क्या है हमारे पास 40 से लेके 50 तक, ठीक है। अब उसके बाद सारे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 40 से नीचे है मतलब फेल हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फेल, क्लियर। चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, एंटर मार्क्स इन फाइव सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मान लो 67 है, ठीक है, 89 है, 90 डाल देते हैं और 56 डालते हैं और एक डाल देते हैं 45, ठीक है, पांच हो गए, तो क्या आया, सेकंड डिवीजन, ठीक है। हम लोग परसेंटेज भी यहाँ शो कर लेते हैं कितना परसेंट है तो उससे हम लोग को पता चल जाए, ठीक है, तो यहाँ स्टॉप करके यहाँ परसेंटेज भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, कॉमा पी आर, ठीक है, और इसको रन करते हैं, यहाँ डालते हैं 67 78 89 66, ठीक है, और 45, कितना है परसेंटेज, 69 सेकंड डिवीजन, ठीक है, 70 या फिर 70 से अबव आता तो फर्स्ट डिवीजन आता, ठीक है, 69 आ रहा है मतलब सेकंड डिवीजन, ठीक है। इसमें और भी ऐसा कर सकते हो जैसे कि कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे लिख दो और फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है, एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट वन, ठीक है, ऐसा कर दो इसको, सब्जेक्ट वन दे दो, यहाँ पे कर दो सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर और सब्जेक्ट फाइव,
है, जब रन करोगे तो बहुत अच्छा सा आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट वन, डाल दो कोई भी मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट टू के लिए डाल देते हैं, ठीक है, और 45, ठीक है, ठीक है। आउटपुट सही है, आउटपुट बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको बनाओ फटाफट।